स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। सो इस सीरीज में हम यूपीएसआई के संदर्भ में मूल विधि को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं मूल विधि में अगली धारा कौन सी है। अगला टॉपिक संबंधित है पब्लिक शांति। क्या पब्लिक शांति या लोक शांति से, यानी कानून व्यवस्था कैसे बना रहे, क्या कानून व्यवस्था कैसे बना रहे, इससे संबंधित यह है। पब्लिक लोक शांति का जो टॉपिक है वो 141 से 160 के अंतर्गत है। क्या 141 से 160 के अंतर्गत, ठीक है। अब लोक शांति क्या है, क्या लोक शांति का मतलब ये है कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, क्या जितने भी पब्लिक प्लेस हैं वहां पर कोई अशांति ना हो, क्या वहां पर कोई अशांति ना, यानी कि उस स्थान पर क्या हो, शांति हो। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बस स्टॉप को, पार्क को, क्या पार्क को, सड़क को, ठीक है। तो इन सभी को हम क्या पब्लिक के अंतर्गत रखते हैं, जहां पर सभी लोग अपना कार्य करते हैं। अब इसमें जो पहला धारा है 141, क्या पहला धारा 141, ये क्या बताता है। 141 धारा बताता है कि जब भी सरकार आपको आदेश दे, क्या जब सरकार ऐसा क्या निर्देश दे कि लोगों का जमाव नहीं होना। लोगों का जमाव का मतलब कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो संवेदनशील है, क्या संवेदनशील है, जैसे हम क्या ले सकते हैं जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले सकते हैं, या कभी ऐसी समस्या हो जब क्या चल रहा हो, आपातकाल चल रहा हो, चाहे स्वास्थ्य आपातकाल हो या दूसरी इमरजेंसी हो। तो इस समय जैसे कोरोना काल में हम इसको समझते हैं, कोरोना काल चल रहा है, जब शुरू में लॉकडाउन लागू हुआ तो लॉकडाउन में क्या कहा गया, कहा गया 5 व्यक्ति एक जगह नहीं हो सकते, यानी लोगों का जमाव नहीं हो सकता। तो ये किस आपातकाल में, स्वास्थ्य आपातकाल में लगाया गया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्या जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में कोई घटना होने वाली है, क्या आतंकवादी घटना होने वाली है। अब पुलिस को शक है, तो पुलिस ने पूरे क्षेत्र में क्या धारा 141 लागू कर दिया और कहा कि यहाँ पर 5 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा नहीं होंगे, कहीं भी 5 व्यक्ति से इकट्ठा नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे कम आदमी होंगे तो ऑपरेशन अच्छे ढंग से किया जा सकता है, ठीक है। या कर्फ्यू जब लागू किया जाता है तो 141 का ही प्रयोग किया जाता है कि 5 व्यक्ति से अधिक एक जगह पर, एक स्थान पर नहीं होंगे, ठीक है। तो 141 में क्या विधि विरुद्ध जमाव को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, ठीक है। क्या विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया कि है क्या, तो मैंने क्या बताया कि 5 लोग से अधिक एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, यही क्या है, जमाव है। अब 143 क्या कहते हैं, 143 कहता है कि अगर कोई ऐसा जमाव करता है, यानी जब निर्देश है कि 5 लोग से अधिक एकत्र नहीं होंगे और एकत्र हुए और उनको अगर पुलिस पकड़ती है तो 6 माह का क्या सजा उनको होगा, 6 माह का सजा हो सकता है या कोर्ट उन पर जुर्माना लगा सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको 6 माह सजा देना, सजा काटना होगा या तो जुर्माना देना, ठीक है। ये तो हो गया, हमने परिभाषा देखा 141 में और 143 में दंड देना। अब इसी विधि विरुद्ध जमाव को जब क्या होता है, क्या करना होता है, लागू करना होता है, क्या लागू करना होता है, तो 144 के अंतर्गत इसे लागू किया जाता है, क्या 144 के अंतर्गत इसे लागू किया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि 141 धारा के अंतर्गत क्या है, तो क्या बताना है, विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, ठीक है। 143 में विधि विरुद्ध अगर जमाव हुआ तो दंड को बताया गया, और विधि विरुद्ध जो जमाव है इसको लागू किया जाता है 144 के अंतर्गत। ये सामान्यतः आप न्यूज पेपर में पढ़ते होंगे कि धारा 144 लागू कर दिया गया है, ठीक है, अगर कोई संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। अब 146 क्या कहता है, 146 कहता है कि 5 या अधिक व्यक्ति, क्या 5 या अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए, क्या किसी उद्देश्य के लिए हिंसा या बल का प्रयोग करते हैं, क्या हिंसा
या बल का प्रयोग करते हैं तो हर व्यक्ति को वलवा का दोषी माना जाएगा। वलवा क्या? वलवा का दोषी माना जाएगा। यानी कि 146 क्या है, 146 में बलवा को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्या? बलवा को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। आप अखबार में इसको देखते होंगे कि बलवा हुआ, या गांव में भी बलवा होता है, क्या गांव में भी बलवा होता है, तो उस बलवा को परिभाषित कहां किया गया है, 146 में। ठीक है, 146 में क्या कहा गया कि पांच व्यक्ति, क्या पांच व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, हिंसा या बल का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होगा, बलवा होगा, और सभी व्यक्ति क्या होंगे, बलवा के दोषी होंगे। ठीक है, तो 146 को भी याद रखना है, इसको परिभाषित करता है, बलवा को परिभाषित करता है। 141 हमने देखा, 143 देखा, 144 देखा और 146। ठीक, अब 147 के अंदर, 147 क्या कहता है, 147 कहता है कि अगर जिन लोगों ने क्या किया, बलवा किया, क्या बलवा किया, उनको 2 वर्ष का सजा होगा। क्या? जिन लोगों ने बलवा किया उन्हें 2 वर्ष का सजा होगा। ठीक है, जैसे दिल्ली, दिल्ली में जो कांड हुआ, क्या दिल्ली में जो कांड हुआ एनआरसी को लेकर, तो उसमें जितने लोग क्या बोलते हैं, चार्जशीट जिनका भी दाखिल हुआ है, तो उनको बलवा के अंतर्गत 2 वर्ष कम से कम सजा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हिंसा और बल दोनों का प्रयोग किया। ठीक है, अब अगला धारा क्या कहता है इसको देखते हैं, 149 में, क्या 149, 149 कहता है संयुक्त दायित्व के सिद्धांत, दायित्व का सिद्धांत। अब संयुक्त दायित्व का सिद्धांत क्या है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे जितने भी लोगों ने क्या किया, बलवा किया, क्या जितने भी लोगों ने बलवा किया, उसमें किसी एक सदस्य को ही सजा नहीं दिया जाएगा, अपितु सभी लोगों को, क्या सभी लोगों को सजा दिया जाएगा। यानी सभी लोगों का दायित्व है, अगर उसमें एक कोई व्यक्ति है जो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो उनके साथ है, तो उस व्यक्ति को भी क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। तो 149 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बलवा करने वालों के साथ जो है उनको भी इसके अंतर्गत क्या, सजा दिया जाएगा। ठीक है, सजा दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला है 153, क्या 153। अब 153 क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं, क्या 153 क्या कहता है इसको देखते हैं। 153 का कहता है धर्म, मूल वंश, स्थान, क्या ये होगा स्थान नहीं स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय, इसके आधार पर आप क्या फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, शत्रुता फैला रहे हैं, तो ये क्या होगा, दंडनीय होगा। क्या? दंडनीय होगा। अब जैसे एग्जांपल, एससी ओबीसी, एससी एसटी, अब अगर कोई एससी एसटी और सामान्य के बीच क्या, शत्रुता फैला रहा है, तो ये धारा लगेगा, ये धारा लगेगा। अब कोई हिंदू मुस्लिम के मध्य क्या फैला रहा है, सद्भावना को समाप्त कर रहा है, सद्भावना को समाप्त कर रहा है, शत्रुता फैला रहा है, तो ये धारा लगेगा। कोई उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच भी अगर ऐसा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग और महाराष्ट्र के बीच क्या शत्रुता आए, तो 153 का लगेगा। ठीक है, तो 153 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, यानी कि जाति में हिंदू धर्म में जो जाति है उनके बीच जो क्या वैमनस्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये सब दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, अगला 153 खा क्या कहता है, क्या 153 खा क्या कहता है, 153 खा कहता है भारत की एकता एवं अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में। अब क्या प्रतिकूल प्रभाव है इसको हम देखते हैं, क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव है इसको देखते हैं। 153 खा क्या कहता है कि भारत की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में, अगर कोई भी ऐसा काम कोई करता है जो भारत की एकता को और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, तो क्या होगा, उसको सजा दिया जाएगा। क्या? उसको सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो 149 हमने संयुक्त दायित्व का सिद्धांत देखा, 153 का देखा, 153 खा देखा, अब देखते हैं 159। 159 में क्या था, 159 में दंगा को परिभाषित किया गया। क्या? 159 में दंगा को परिभाषित किया गया। ठीक है, अब दंगा क्या होता है कानून के अनुसार इसको हम देखते हैं।
क्या कानून के अनुसार दंगा क्या होता है इसको देखते हैं। दो व्यक्ति कम से कम होने चाहिए दंगा करने के लिए, क्या दो व्यक्ति होने चाहिए, और क्या पब्लिक स्थान पर होना चाहिए, क्या पब्लिक स्थान पर होना चाहिए, यानी दो व्यक्ति सड़क पर आए और क्या करने लगे, मारपीट करने लगे, लोगों को मारने लगे, यानी कि पब्लिक शांति को क्या कर दिया, उन्होंने भंग कर दिया, तो वो दो लोग क्या होंगे, दंगा करने वाले, क्या दंगा करने वाले होंगे। दंगा करने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी धर्म से संबंधित है, किसी कास्ट से संबंधित है, किसी, केवल दो व्यक्ति होना चाहिए और वो क्या हो, पब्लिक स्थान पर आकर लड़ाई लड़े और पब्लिक शांति को क्या, पब्लिक शांति में विघ्न डाले, तो वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों लोग दंगा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दंगा करने में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो कम से कम दो लोग होने चाहिए, और दूसरा पब्लिक स्थान पर होना चाहिए, क्या पब्लिक स्थान पर, घर में कोई दंगा नहीं होता। ठीक है, घर में बच्चे दंगा करते हैं, केवल लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसको कानून में नहीं रखा जाता क्योंकि वो तुच्छ अपहानी है और बच्चों पर कोई कानून लागू नहीं होता, तो वो बच्चों का दंगा नहीं, ये यहाँ क्या पब्लिक शांति को क्या समाप्त करना। ठीक है, अब 160 में क्या कहा गया, 159 में दंगा को परिभाषित किया गया, ये आपको याद रखना है कि 159 में क्या किया गया, दंगा को परिभाषित किया गया, और 160 में क्या किया गया, कि अगर कोई दंगा करता है, क्या कोई दंगा करता है तो उसे सजा दिया जाएगा, क्या उसे सजा दिया जाएगा, कितना सजा दिया जाएगा, उसे कम से कम क्या, कम से कम 1 माह, क्या कम से कम 1 माह का सजा दिया जाएगा। ठीक है, क्या 1 माह तक सजा दिया जाएगा, 2 माह का 1 माह है, ठीक है, 1 माह तक सजा दिया जाएगा और 100 रुपया जुर्माना होगा, क्या 100 रुपया जुर्माना होगा। तो दंगा करना बहुत बड़ा अपराध नहीं है जैसा कि सामान्य समझ लोगों की है, दंगा करना बहुत बड़ा अपराध नहीं है, 100 रुपया जुर्माना देकर आप सकते हैं, यानी रोड पर आपने झगड़ा किया तो वो दंगा ही हो गया। ठीक है, रोड पर आप दो लोगों ने झगड़ा किया, 3 लोगों ने झगड़ा किया, वो दंगा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है 166 का, क्या 166 का है, अब कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, झगड़ा करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, झगड़ा करता है, उसमें बहुत लोग क्या होते हैं, चोटिल होते हैं, चोटिल होते, अब चोटिल व्यक्ति कहाँ जाता है, चोटिल व्यक्ति जाता है कहाँ, हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में, यानी सरकारी हॉस्पिटल में जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में जाए, अगर अस्पताल के अधिकारी या अस्पताल के डॉक्टर क्या उसका इलाज करने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं किसी भी कारण, क्या किसी भी कारण, वो तुरंत आया, वो चोट खाया हुआ है, किसी भी कारण अगर क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं कि इसका इलाज नहीं किया जाएगा, तो एक क्या है, दंडनीय है, क्या दंडनीय है, अगर केवल अस्पताल का उपचार करने से मना कर देते हैं तो दंडनीय है, पहले उपचार करिए उसके बाद कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ होगा, अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसे क्या 1 साल का कम से कम सजा, यानी दंगा से ज्यादा, क्या दंगा से ज्यादा, उसमें 1 माह है, इसमें 1 साल है, तो आप इसे एक बड़ा अपराध मान सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर चोट खाया है तो उसका पहले क्या होना चाहिए, उपचार होना चाहिए, फिर उसके बाद की प्रक्रिया जो है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला है 170 क्या कहता है, लोक सेवकों का प्रतिरूपण, क्या लोक सेवकों का प्रतिरूपण, अब ये लोक सेवक का प्रतिरूपण क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं तो वो ज्यादा आसान होगा। जैसे आपने बहुत सारी पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी, अब मूवी में कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि एक ही व्यक्ति, क्या एक ही व्यक्ति एक जगह क्या करता है, नौकरी करता है, एक जगह नौकरी करता है और दूसरी जगह अपना रूप बदल कर क्या करता है, जाके कोई अधिकारी बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, यानी उसका चेहरा मिल रहा है, हो सकता है क्या उसका चेहरा मिल रहा हो, कदकाठी मिल रहा हो और वो जाके किस तरह काम करने लगे, लोक सेवक के रूप में काम करने लगे, तो वो भी एक अपराध है, क्या वो भी एक अपराध है। जैसे एक मूवी में था कि भाई की वर्दी पहनकर क्या वो गया पुलिस थाने और वहां पुलिस की तरह व्यवहार करने लगा, तो उसी तरह लोक सेवक में अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सजा मिलेगा, मूवी में अलग बात है, लेकिन ये अगर व्यवहार में कोई करता है तो उसे क्या 2 वर्ष का कम से कम दंड मिलेगा, क्या लोक सेवक का प्रतिरूपण कोई करता है
तो 2 वर्ष का कम से कम सजा मिलेगा। ठीक है, अगला धारा देखते हैं। अगला धारा है 171 का। क्या 171 का? इसमें निर्वाचन के अधिकार को परिभाषित किया गया। क्या? निर्वाचन के अधिकार को परिभाषित किया गया कि जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी मतलब जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका, और निर्वाचन के अधिकार, दोनों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। 171 खा क्या कहता है? निर्वाचन में रिश्वत का वर्णन करता है। क्या? निर्वाचन में अगर रिश्वत की लेन देनी हुई तो क्या होगा, उसका वर्णन करता है 171 खा। तो 171 खा में क्या कहता है, निर्वाचन में रिश्वत का वर्णन करता है। और 171 अंगा में क्या कहता है कि अगर, क्या अगर कोई रिश्वत लेता भी है, क्या अगर कोई रिश्वत लेता है तो क्या ये मर नहीं, में होगा, क्या में होगा, गलत लिखा, टाइपिंग हुई। 171 में क्या, रिश्वत अगर कोई लेता है निर्वाचन से संबंधित तो 1 वर्ष का सजा और जुर्माना का प्रावधान है। क्या? 1 वर्ष का सजा और तथा जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 174, क्या 174। सो 174 के बारे में और जितने भी धाराएं उसको हम लोग क्या देखेंगे अगले वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।